सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों को नवाब सतपाल तंवर की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपके सामने लाइव हैं। वही गुजरात की घटनाओं को लेकर के मोदी जी के गुजरात में कैसे बहुजन समाज को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, परंतु नेशनल मीडिया बिल्कुल मर चुकी है। नेशनल मीडिया पर कोई भी आवाज नहीं है। साथियों, शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों को इनवाइट कर लीजिए। अगले 5 मिनट 10 मिनट तक आपके भैया जी आपके सामने लाइव रहेंगे। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन करते हैं। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर। साथियों, गुजरात में तांडव मचाया जा रहा है। गुजरात में हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर और गुजरात में भाजपा की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। हम सबको साथ मिल करके आवाज उठानी होगी। हमारे साथी वहां पर धरने पर बैठे हैं, बहुजन समाज के साथी, अखिल भारतीय भीम सेना के साथी और तमाम बहुजन समाज के संगठनों के साथी गुजरात में धरने पर बैठे हैं। गुजरात में ऊना कांड हुआ था, आपको मालूम है। ऊना कांड के पीड़ितों को आज तक भी न्याय नहीं मिला है। वहीं फिर दोबारा से ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो चुकी हैं। गुजरात में जब बारात निकाली जाती है तो घोड़ी के सामने ही मनुवादी गुंडे जो हैं वो अपनी महिलाओं को आगे कर देते हैं, और उनकी जो महिलाएं होती हैं वे घोड़ी के सामने बैठ करके भजन कीर्तन करना शुरू कर देती हैं। साथ में पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है मेरे साथियों? क्या भारत में रहने का अधिकार हमें नहीं है? क्या हम इस देश के निवासी नहीं हैं? क्या हम आजाद नहीं हैं? इन सवालों का जवाब क्या नरेंद्र मोदी जी के पास है? मैं बड़ी बात कहना चाहूंगा, गुजरात में ये जो कुछ हो रहा है और जो कराया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा ही कराया जा रहा है। मोदी जी की सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। जान पूछ करके मोदी जी ऐसा करा रहे हैं, जान पूछ करके करा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। देखिए आप, दलितों को मत मारो, मुझे मार दो, क्या कहेंगे मोदी जी को हम? क्या मोदी जी जुमलेबाजी कर रहे हैं? क्या मोदी जी दलितों का मजाक उड़ा रहे हैं? हम मूल निवासी हैं और मूल निवासियों को उनके ही देश में किस दौर से गुजरना पड़ रहा है आप देख सकते हैं। हालात पूरे खराब हो चुके हैं। मैंने कल रात को आपके सामने लाइव दिया था, लेकिन नेटवर्क की समस्या के चलते लाइव कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैं अपनी पूरी बातें आपके सामने नहीं रख पाया था। गुजरात में पिछले एक सप्ताह में 4 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, पिछले एक सप्ताह में बहुजन समाज पर जो अत्याचार की 4 घटनाएं हुई हैं, इसमें पहली घटना यह है कि गुजरात के बावला गांव में एक तरफा प्रेम के कारण 18-20 साल की लड़की को भरे बाजार चाकुओं से गोद कर मार डाला गया, उसकी हत्या कर दी गई। कार्रवाई के नाम पर 0/0 है, कोई खास सुनवाई नहीं है। क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का? क्या ये महिला का उत्पीड़न नहीं है? एक तरफा प्रेम के कारण किसी लड़की की हत्या करना कहां तक जायज है? सोशल मीडिया पर कहीं कोई फोटो, कहीं कोई वीडियो, कहीं कोई आवाज नजर क्यों नहीं आ रही है? सोशल मीडिया हम सब की ताकत है, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया खामोश क्यों है? साथियों, आवाज बनिए, शेयर कीजिए। यह आपकी आवाज है, ये बहुजनों की आवाज है, ये नवाब सतपाल तंवर की आवाज नहीं, ये आपकी आवाज है, ये उस बहन की आवाज है, ये गुजरात की आवाज है, ये भारत की आवाज है, ये बहुजनों की आवाज है। शेयर कर दीजिए साथियों, नीचे शेयर का बटन बना हुआ है, सारे ग्रुपों में कर दीजिए।
कोई ग्रुप नहीं छोड़िएगा, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और अपनी टाइमलाइन पर भी शेयर कर दीजिए। और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं बहुजन समाज के, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके भैया जी की इस वीडियो को, बहुजन समाज की इस वीडियो को, भारत देश की इस वीडियो को, महिलाओं के सम्मान में, बहुजनों के सम्मान में आप अपने चैनल पर डालने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप डाल सकते हैं, डालिएगा जरूर। और साथियों शेयर कर दीजिए, मैंने पहली घटना बताई है गुजरात के बावला गांव की, दूसरी घटना गुजरात के लोर गांव में हुई है। बारात निकालने पर उस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और साथ में 5,000 रुपए का जुर्माना भी उस परिवार के ऊपर लगा दिया गया। क्या भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है हमें? क्या बारात निकालने का अधिकार नहीं है हमें? कौन होते हैं वे लोग जो हमारे ऊपर बारात निकालने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाते हैं? क्या घोड़ी या बारात उनके बाप की बपौती है? कौन होते हैं वे लोग जो हमारे ऊपर 5,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाते हैं, बारात को रोकते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं? क्या औकात है उनकी? साथियों दिखा दीजिए, इस लाइव वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए। हमारे साथी वहां न्याय की आवाज को उठाते हुए धरने पर बैठे हुए हैं। गुजरात के उन साथियों का साथ दीजिए, उनकी आवाज बनिए आप, यह आप सबकी आवाज होगी, ये भावजनों की आवाज होगी। इसके अलावा साथियों महसाणा के कहोड़ा गांव में इसी तरह की एक घटना को अंजाम दिया गया। चार अलग अलग जगहों पर मंडप लगाए गए थे, एक दूसरे को खाना खिला रहे थे अलग अलग समाज के, लेकिन मनुवादियों ने इसका भी विरोध किया, वहां पर तोड़फोड़ की, लोगों के साथ में मारपीट की। इसके अलावा जो घटना हुई है मोड़ासा खम्बीसर गांव के डाया भाई के लड़के जैस भाई की शादी की बारात निकली तो मनुवादी गुंडों ने विरोध किया, अपनी महिलाओं को आगे करके घोड़ी के सामने और बीच रास्ते में भजन कीर्तन कराना शुरू कर दिया, अपने समाज की उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया। क्या यही उनकी औकात रह गई है? चूड़ियां पहन लेनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बारात को रोकते हैं और अपनी महिलाओं को आगे कर देते हैं, क्या यही औकात है तुम्हारी? क्या बारात या घोड़ी तुम्हारे बाप की बपौती लगती है? साथियों शेयर कर दीजिए। वहां पर मारपिटाई की गई, गांव की लाइटों को बंद कर दिया गया और साथ में वहां पर हमारे भाई हैं बहुजन समाज के हसमुख भाई सक्सेना को पुलिस ने और मनुवादी गुंडों ने मिलकर के पीटा, बहुत सारे लोगों को चोट आई, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डीएसपी फाल्गुनी पटेल, उसने हमारे समाज को गालियां दी, हमारे समाज को बुरा भला बोला, हमारे समाज को गलत बोला। फाल्गुनी पटेल को भी पूरे तरीके से टारगेट पे लीजिए। मेरे भाई का बार बार मैसेज आ रहा है, महाराज सिंह नागावत जी का, सतपाल भाई की अपने बाजुओं में ताकत रखो, कोई रोकने की कोशिश करता है तो प्यार से समझा दो, नहीं समझता है तो, आप जो कहना चाहते हैं मुझे पता है, अगर नहीं समझता है तो उसको दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। जैसा कि आपने एक वीडियो देखी होगी कि एक व्यक्ति, व्यक्ति नहीं दरिंदा, एक बलात्कारी दरिंदा बलात्कार करता है एक बहन के साथ और उसका भाई जाता है और उस दरिंदे की गर्दन को काट देता है और गर्दन को काटता है, उसके बालों को पकड़कर, कटी हुई गर्दन को पकड़कर थाने में लेकर के जाता है, खून टपक रहा होता है उस गर्दन से, वो सजा उसको दी जाती है। तो इसीलिए साथियों मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई घटना हो तो मार दीजिए या मर जाइए, लेकिन ऐसे लोगों के सामने कभी भी झुकना नहीं, कभी डरना नहीं। और साथियों इस लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए, आवाज उठाइए, आवाज बनिए, बहुजनों की आवाज बनिए। जितने साथी जुड़ रहे थे, जितने साथी जुड़े हैं और जितने साथी इस लाइव वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में जुड़ेंगे, उन सभी साथियों को नवाब सतपाल तंवर बार बार दिल से क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन करता है। साथियों ये बहुजनों की आवाज है, ये आपकी आवाज है, शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए। गुजरात में जो कुछ हो रहा है वो नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं और वहां की बीजेपी सरकार करा रही है, ये सब कुछ जानबूझ करके कराया जा रहा है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, दोबारा से जल्दी मुलाकात होगी, क्रांतिकारी जय भीम।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।